गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहे और क्या पबजी ज्यादा जरूरी है। पबजी खेल रहे उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस शादी भी नहीं करोगे पबजी के लिए। और नमस्कार देवी और सजरो, आज हम आए हुए हैं प्रगति मैदान और भाई यहाँ हम बात करेंगे लोगों से पबजी के बारे में, पबजी के एडिक्शन के बारे में। तो आइए चलता है जी, लोगों से पूछते हैं। भैया आपका नाम? मोहम्मद सोहेल। मोहम्मद सोहेल, तो पबजी खेलते हो भैया? हाँ थोड़ा बहुत फ्री टाइम है। अच्छा, तो क्यों खेलते हो पबजी? टाइम पास के लिए ओनली, जब बोर फीलिंग होता है। अच्छा, पबजी क्यों खेलते हो यार? और भी बहुत सारे गेम है, कैंडी क्रश हो गया या वो भागने वाला होता है टेम्पल रन हो गया, पबजी क्यों? अलग ही मजा है। मजा है, इसको कैमरे में देख के बोलो, ये थ्रिल है। थ्रिल, थ्रिल मजा आता है। एक्साइटमेंट होती है उससे। एक्साइटमेंट कैसी? लाइक बोल रहा लड़कियों के चक्कर में खेलता हूँ, लड़की मिल जाएगी बस अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, भाई मजा आता है इसे खेलने में, फन। और के दोस्तों के साथ, फिर उसने सुना कि अरे इधर गाड़ी घुमाओ उधर गाड़ी घुमाओ, मजा आ जाता पूरा। अच्छा, we are having another options as well, बहुत सारे गेम्स हैं। PUBG क्यों? इसमें मतलब सारे लोग खेलते हैं तो उसमें दोस्तों के साथ खेलने में मिलता है, दोस्तों के साथ खेलने में। एक तो ऑनलाइन गेम है इसलिए डिपेंड करता है, अगर दोस्त खेल रहे हैं तो ही, वरना नहीं। किसको चूज करोगे आप, अपनी गर्लफ्रेंड को या PUBG को? अगर गर्लफ्रेंड मतलब इतना एडिक्शन नहीं है अभी? No. पर लोग कहते हैं कि हम तो गर्लफ्रेंड भी छोड़ देंगे पबजी के लिए। No, no. ऐसा नहीं है अभी, ऐसा नहीं, स्टेज पर नहीं गए हो आप? No. अच्छा, गर्लफ्रेंड और पबजी कोई एक चुनो। गर्लफ्रेंड मिल जाए बहुत अच्छा है भाई मेरे को सेट करा के दे दे भाई प्लीज यार गर्लफ्रेंड है पबजी गर्लफ्रेंड वर्सेस पबजी में से पबजी बहुत बहुत वैसे मिल लेते हैं तुम्हारे से मिल जाए लेकिन मिली तो है नहीं हमारे को कभी आपका भाई साहब है गली चाहेंगे गर्लफ्रेंड है ना। तो दीज गाइज आर फ्रॉम, आप लोग कहाँ से हैं? सारे दिल्ली से हैं? बजरंग दल से। बजरंग दल। अच्छा, ये बजरंग दल से और गर्लफ्रेंड की डिमांड कर रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। गर्लफ्रेंड तो आती जाती रहे और क्या, पबजी ज्यादा जरूरी है। पबजी खेल रहे उस टाइम कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बस शादी भी नहीं करोगे पबजी के लिए? नहीं, शादी क्यों नहीं करेंगे यार, शादी करेंगे, इतनी दूर की नहीं सोचते। गर्लफ्रेंड तो पहले छोड़ दिए, गर्लफ्रेंड पहले छोड़ दी, नहीं भी चाहिए मतलब कुछ तो एक ऑप्शन, मतलब किसको प्रायोरिटी ज्यादा? दोनों की पबजी एक ऑप्शन, पबजी 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 पबजी। तो कहते हैं पबजी खेलने के बाद इंडियन आर्मी ज्वाइन करते हैं लोग, ऐसा कुछ नहीं है सर। नहीं ऐसा, आजकल जो भी कोई है सब अपने आप को भाई बहन समझता है आर्मी मैन पबजी में उतरने के बाद में, जैसे म्यूजिकली वाले एक्ट्रेस होते हैं एक्टर, वैसे पबजी वाले भी आर्मी मैन है। मैं तो बस फन के लिए खेलता हूँ, जब बोर फील करता हूँ थोड़ा बहुत। अच्छा, ये बोलते हैं कि जो म्यूजिकली बनाते हैं वो एक्टर बन जाते हैं और जो पबजी करते हैं वो इंडियन आर्मी में चले जाते हैं, ये तो मतलब कुछ लोगों की छोटी सोच होती है ना, वो मतलब छोटी जगह पे रह के रह जाती है। जैसे मतलब म्यूजिकली वो लोग कमरे में बनाते हैं तो उस कमरे में वो अपने आप को हीरो मान लेते हैं, ठीक है। और जो लोग पबजी खेलते हैं वो अपने आप को बस कुछ सेकंड्स के लिए या कुछ मिनट्स के लिए, अगर मान लो घंटे घंटे भी खेलते हैं तो उस टाइम के लिए सोचते हैं कि भाई मैं तो आर्मी में, मैं तो गोलियां चला रहा हूं। ऐसा है क्या रियल में कुछ, मतलब ऐसा नहीं, मतलब एक ऐसा फील आ जाता है, एनवायरनमेंट बन जाता है ऐसे कि हम लोग इंडियन आर्मी हैं और ये देश के लिए काम कर रहे हैं। अच्छा, कभी डांट सुनी है घर वालों की पबजी के चक्कर में? हाँ सुनिए, मतलब जब फोन पे लगे रहते ही, मतलब वैसे हॉस्टल में रहते हैं तो यहाँ पर रूम लेकर रहते हैं तो फ्रेंड्स वगैरह बोलते हैं, कभी नहीं बोलते आपका कुछ? अरे अभी तो ये तो नॉर्मल है, हर रोज मम्मी तो थोड़ा बहुत डांटी रहती है। डांट तो बहुत सुने पबजी यार, पबजी में तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब खेलने का मन करता है और जब घर वाले मना भी करते हैं कि बेटा पेपर है पढ़ लो, छुप छुप के भी खेलना पड़ता है। छुप छुप के भी खेलना, इसको भी कैमरे में बोल दो यार एक बार, छुप छुप के भी खेलना पड़ता है। क्या बात है, आपका क्या क्या कुछ सुना हूँ मम्मा से? मम्मा से तो कुछ नहीं सुना, लेकिन पीठ दर्द करती है आपका कुछ सुना, पीठ दर्द करती है
पेट दर्द करती है लोग। नहीं तो मम्मी पापा ने कुछ तो बोला होगा, बेटा फोन में घुसा रहता है ये वो। हां ये तो पूरे दिन कहना ही होता है। क्या उसके लिए लीड लगा के खेलते कर लीड लगा के खेल दो। अच्छा ऐसा कुछ हुआ कि पबजी लाइक सबका परसेप्शन होता है अलग अलग, कोई कोई सा गेम खेलना पसंद करता है, तुम लोगों को सजेस्ट करोगे पबजी खेलने के लिए? अगर जैसे मुझे पबजी नहीं आता तो तुम बोलोगे कि पबजी खेलो? नहीं मैं नहीं बोलूँ। क्यों? सबकी अपनी मर्जी, खेलना खेल नहीं खेलना मत कर। एडिक्टेड हो जाते हैं उससे, बंदे एडिक्टेड हो जाते हैं। कुछ साइड इफेक्ट्स बस यही है इसका, एडिक्शन एडिक्शन और कुछ एडिक्शन ही है। एडिक्शन ही। बाकियों को सजेस्ट करोगे पबजी खेलने के लिए? नहीं नहीं। क्यों? टाइम वेस्ट। अच्छा अभी तो बोल रहे थे आप बहुत अच्छा है पबजी। मेरे लिए ना मैं खुद नशा होता है। क्या होता है? नशा होता है। आप सजेस्ट करेंगे? मैं तो करूंगा बिल्कुल। आप सजेस्ट करेंगे? आप सजेस्ट नहीं करेंगे? नहीं, अगर खेलना है दोस्तों के साथ खेलो, वरना कोई फायदा नहीं। और कोई गेम है पबजी के कंपैरिजन में कोई टक्कर में गेम? मोबाइल लेजेंड्स। ठीक है, मोबाइल लेजेंड्स में क्या है आप बताएं थोड़ा बहुत? काफी अच्छा है उसमें, बोरिंग नहीं है वो। कम से कम पबजी बोरिंग है, आप आउट हो जाओगे तो आप इसे इसमें अगर आप एक बार मर जाओगे ना फिर रिस्पॉन हो जाता है, मतलब टाइम लिमिट के अंदर। अच्छा है खेल। डोटा 2 मतलब बहुत सारे गेम्स लोग खेलते हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन रियल लाइफ में कोई गेम आउटडोर इंडोर गेम्स नहीं होते। सो गाइस दिस वाज द वीडियो और हम लोग यहां पर थे विश्व पुस्तक मेला में। हाँ आई नो कि हम लोगों ने पुस्तक के बारे में बात नहीं की, बुक्स के बारे में बात नहीं करी, बट वी गाइस हैड अ डिस्कशन अबाउट पबजी जो गेम बहुत वायरल हो चुका है। तो देश दुनिया की बाकी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए रॉन्ग वेज। तो शिवम प्रदु आप इस बारे में बताएंगे मुझे, फैमिली ऑफ डिसेबल के बारे में? पूरा फैमिली ऑफ डिसेबल एक NGO है जो सोशली वेलफेयर के लिए काम करता है, एंड बेसिकली हमारा एक नजरगढ़ में सेटअप है जिसमें हमारा एक प्रोडक्ट है पेंसिल, उसकी पूरी प्रोडक्शन होती है। जैसे आप देख सकते हैं जो नॉर्मल पेंसिल्स होती हैं वो लाइक ट्रीज को कट करके बनते हैं, जैसे नटराज अप्सरा जो भी है। काफ़ी डिफरेंट है ये, लाइक एक विंटेज पेपर को कंप्रेस करके बनाई जाती है। काफ़ी डिफरेंट है देखो। मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा इस पेंसिल के बारे में कि ये पेंसिल ये नॉन प्रॉफिट मोटिव से बनाई जाती है। ये पेंसिल डिसेबल्ड लोग बनाते हैं और जितना भी प्रॉफिट इस चीज़ में जनरेट होता है वो हम सारा उन्हें एज सैलरी देते हैं। दैट्स अ गुड थिंग। एंड एक्चुअली लाइक हमें वॉलंटियर्स हैं, हम इन एक्टर्स RLA से बिलोंग करते हैं, RLA दिल्ली यूनिवर्सिटी। हम इस NGO से एसोसिएटेड हैं तो हमने वॉलंटियरली लाइक ये जॉब लिया है, लाइक इट्स हमें प्रमोट दिस। यस टू प्रमोट दिस। और अगर आप अगर पेंसिल बाय करते हैं ये वाली तो इनसे आप हेल्प करेंगे उनकी डिसेबल लोगों की जो इन कामों में लगे हुए हैं जो ये पेंसिल बना रहे हैं, तो अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात होगी। सो इफ यू वांट टू बाय दीस पेंसिल्स इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट तो आप प्लीज इनएक्टर्स RLA का फेसबुक पेज हिट अप कर सकते हैं, या फिर आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं इनएक्टर्स RLA के नाम से आ जाएगा। रामलाल आनंद कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का। ऑल्सो आई वॉन्ट टू थैंक रॉन्ग वेज फॉर प्रमोटिंग दिस वीडियो। आई एम रियली इंडेप्टेड टू द इंटरेस्ट यू सोनर।